आप सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लें, क्योंकि मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि मैं आपको आपके अधिकारों और आपको सरकार द्वारा मिलने वाली नई नई योजनाओं व नई नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दे सकूं, आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। मैंने आशाओं के साथ काफ़ी काम किया है आशा प्रशिक्षण में, इसलिए मैं आशाओं के हर प्रकार की समस्याओं व कार्य के प्रति अपनी समझ रखता हूँ। यदि आपको अपने कार्य के बारे में किसी प्रकार की जानकारी या किसी विषय पर ज़्यादा जिज्ञासा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकती है, मैं उस विषय पर वीडियो बनाकर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करा सकूँगा। इसलिए इस चैनल की सूचनाओं को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सूचनाएँ सभी आशा बहनों तक पहुँच पाएँ। अब बात करते हैं एनएम प्रशिक्षण के बारे में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार एवं समेकित बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जो पत्र जारी किया गया है उसके बारे में आज आपको विस्तार से बताना चाहूँगा, अतः इस वीडियो को अंत तक देखें। चिकित्सा विभाग के पत्र क्रमांक F21 NHM आशा ANM प्रशिक्षण 2020-21 38 दिनांक 19/2/2021 व समेकित बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक F26-4 आशा सहयोगनी ICDS 2015 31/890 दिनांक 22/2/2021 को जारी हुआ है, जो कि दोनों विभाग के निदेशक और मिशन निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला गया है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस पत्र के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 विभाग के क्रमांक F5 330 चिकित्सा स्वास्थ्य ग्रुप 3 97 दिनांक 1/1/2021 द्वारा राज्य सरकार ने NM प्रशिक्षण में 10% आरक्षण क्षितिज आधार पर हॉरिजॉन्टल पर निर्धारित योग्यता एवं आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षित कार्यरत आशा सहयोगियों को दिए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे। मतलब कि जो आशा सहयोगनी आशा के पद पर कार्यरत है और जिसने मॉड्यूल 6-7 का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और जो निर्धारित योग्यता यानी कि 12वीं पास है, उनको NM प्रशिक्षण के लिए इसमें 10% आरक्षण की बात कही गई है, जो कि इस वर्ष से मिलना प्रारंभ हो गया है। ANM प्रशिक्षण कोर्स में उक्त प्रक्रिया के तहत राज्य में कार्यरत आशा सहयोगियों को प्रवेश दिया गया है, यानी कि ये जो प्रशिक्षण है NM का, इसमें केवल राज्य की आशा सहयोगियों के लिए ही ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग एवं समेकित बाल विकास सेवाएं के संबंधित अधिकारियों के मार्गदर्शन द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है। इसमें पहले नंबर पर है ANM प्रशिक्षण कोर्स में चयनित आशा सहयोगियों के प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा सहयोगियों का पद रिक्त रहेगा, यानी कि जब तक आशा सहयोगनी इस प्रशिक्षण में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेगी तब तक उस आंगनबाड़ी पर आशा सहयोगियों का पद अब रिक्त रखा जाएगा। यह आशाओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरा नंबर है प्रशिक्षणार्थी आशा सहयोगनी प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात तुरंत प्रभाव से अपनी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यभार ग्रहण करेगी, यानी कि जैसे ही आशा का NM का प्रशिक्षण पूरा होता है तो आशा को तुरंत प्रभाव से अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर अपनी ज्वाइनिंग देनी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सहयोगियों को वार्षिक सुरक्षा बीमा योजना PMSBY एवं PMJJBY के तहत दी जाने वाली राशि का भुगतान एवं समय समय पर दिए जाने वाले अन्य परिलाभ प्रशिक्षण अवधि के दौरान दे नहीं होंगे।
यानी कि आशा का जो बीमा कराया गया है, अगर इस दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए आशा इस लाभ को लेने के लिए योग्य नहीं है, मतलब ये लाभ आशा को नहीं मिलेगा। प्रशिक्षण में जाने हेतु कार्य मुक्त आदेश दोनों विभागों के सक्षम अधिकारी, संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी व बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित होंगे, यानी कि आशा को कार्य मुक्त दोनों विभागों के जो भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी है वो मिलकर करेंगे। प्रशिक्षण में जाने हेतु प्रशिक्षण काल में समेकित बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाने वाला मासिक मानदेय प्रशिक्षु आशा सहयोगियों को दे नहीं होगा, यानी कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आशा को जो फिक्स मानदेय दिया जाता है वो अब दे नहीं होगा। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण के दौरान जो आंगनबाड़ी केंद्र पर आशा सहयोगिनी का पद रिक्त हुआ है उससे संबंधित क्या दिशा निर्देश है वो देखते हैं। संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के नज़दीकी केंद्र की आशा सहयोगिनी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा जो कि अतिरिक्त कार्य करने में इच्छुक हो। अगर जिस केंद्र पर आशा का पद रिक्त हुआ है उसके नज़दीकी आशा अगर चाहती है कि मैं उस आंगनबाड़ी का केंद्र का काम करूं तो उस आशा को वो चार्ज दिया जाएगा। आशा फैसिलिटेटर को भी अतिरिक्त कार्यभार दिया जा सकता है। अगर उस आंगनबाड़ी पर आशा का पद रिक्त है तो वहाँ पर पीएससी या सीएससी पर कार्यरत जो भी आशा सुपरवाइजर है उसको भी उस आंगनबाड़ी के कार्यभार दिया जा सकता है, मतलब उस कार्य की जिम्मेदारी उस आशा सुपरवाइजर की भी होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने वाली आशा सहयोगिनी को नियमानुसार कार्य आधारित भुगतान दिया जाएगा, यानी कि जो आशा उस एरिया के जो भी लाभार्थी है उनको सेवाएं देती है तो जो भी मानदेय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय है वो मानदेय उस आशा को दिया जाएगा। इसके लिए अगर कोई आशा अतिरिक्त कार्य करती है तो आशा सॉफ्ट में भी उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। प्रशिक्षण के दौरान समेकित बाल विकास सेवाओं द्वारा अतिरिक्त कार्यभार निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है इसके लिए, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा संबंधित सेक्टर की सुपरवाइजर से विचार विमर्श कर उस सेक्टर की अन्य आशा सहयोगियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाएगा जो कि अतिरिक्त कार्य करने में सक्षम हो, यानी कि देखा जाएगा कि उस आंगनबाड़ी पर कौन सी आशा सहयोगिनी अच्छा कार्य कर सकती है, उस आशा सहयोगिनी को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वो कार्य दिया जाएगा। आशा सहयोगिनियों को अतिरिक्त कार्यभार दिए जाने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार पद संबंधी मानदेय की 40% राशि अतिरिक्त मानदेय के रूप में दे होगी। अगर कोई आशा उस रिक्त आशा सहयोगिनी के पद का कार्य करती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उसको 40% राशि दी जाएगी। प्रशिक्षण अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र का अतिरिक्त कार्यभार उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों विभागों द्वारा पृथक पृथक दिया जाएगा, यानी कि उस रिक्त आशा सहयोगिनी के पद का कार्यभार दोनों विभाग अलग अलग बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए देंगे। हो सकता है कि किसी आशा को आंगनबाड़ी महिला एवं बाल विकास का कार्य दिया जाए और किसी को चिकित्सा विभाग का कार्य दिया जाए, इन दोनों का कार्य दोनों विभाग अपने अनुसार योग्य आशा सहयोगिनी को दे सकते हैं। इस प्रकार ये पत्र आशा सहयोगिनी के लिए बहुत ही अच्छा है, इसके अनुसार आशा को अपने पद से हटना नहीं पड़ेगा और वो लगातार मतलब उस पद पर कार्य करती रहेगी प्रशिक्षण के उपरांत भी। और आशा की ऐसा देखा जाए तो आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है और वो पद छोड़ के अगर आशा का प्रशिक्षण लेती है तो यही बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अतः सरकार का ये प्रयास और जो आशाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आशा सहयोगिनी
जो आशा योगिनियों के संगठन के नेता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके प्रयासों से और आशाओं के लंबे समय से जारी संघर्ष से उनको ये लाभ प्राप्त हुआ है। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और सभी आशाओं को मेरी ओर से भी बहुत बहुत बधाई कि उनको अब अपने पद से हटना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।